है टाटा पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो टाटा पावर में ऑलमोस्ट 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट देख सकते हैं, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हमने 400 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किए थे। 400 का ही क्यों किए थे, क्योंकि देख सकते हैं इससे पहले ऑलमोस्ट 2 दफ़ा बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक 400 के लेवल से ही बाउंस बैक हमको दिखाया था, 400 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं किया। और लास्ट ट्रेडिंग डे में भी उसी सपोर्ट के आसपास से हमने डिस्कस किया था, 398-400 का लेवल ऐसा हमने डिस्कस किए थे, और उसी सपोर्ट से अगेन बाइंग आते हुए नज़र आई। ऑलमोस्ट जंप जो आया 412 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया, वहाँ से अगेन गिरावट देखने के लिए मिले। लेकिन सेलिंग प्रेशर दोस्तों बड़ा है, सेलर्स यहाँ हावी होते नज़र आ रहे बायर्स पर, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा इंतज़ार करना ही यहाँ ठीक रहेगा, क्योंकि 400 हालांकि है इसका तगड़ा सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, लेकिन सेलिंग प्रेशर के चलते मार्केट भी गिरावट दिखा रहा है, तो इसके चलते ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 390 और फिर 380 तक का भी फॉल हमको टाटा पावर में देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग डे में जंप आता है तो इससे पहले जहाँ से रिजेक्शन लिया था लास्ट ट्रेडिंग डे में, 412 पहला टारगेट है, इसके ब्रेकआउट के बाद 415 और 420 तक का भी जंप टाटा पावर दिखा सकता है। लेकिन बाउंस बैक के साथ अगर 420 के ऊपर निकल गया स्टॉक, ये जो सपोर्ट लेवल है जहाँ सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन के बाद अगेन सेलिंग दे दिखाया है, तो 420 के ऊपर अगर निकल जाता है टाटा पावर तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ से लगातार अपसाइड दिखा सकता है, फिर 440 तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।